कभी विचार किया है कि क्यों पाया है मनुष्य का तन आपने, किस लिए पाया है, उद्देश्य क्या है इसका? इन प्रश्नों पर कभी विचार नहीं किया। इन 7 दिनों में आप विचार करेंगे, हम आपको विचार करने पे विवश करेंगे, हम आपको कराएंगे विचार। इसलिए कहता हूं भागवत सुना करो, आंखें खुलती हैं भागवत से। भागवत जी ज्ञान का सागर है, जितनी बूंदें आप समेट सको, पी सको, पी ग्रहण कर सको, कर लो। कहीं शांति नहीं, तब नारद जी बद्रीनाथ गए, वहां 4 संत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले और चारों ने कहा महाराज क्या हुआ? नारद जी बोले सत्कर्म क्या है? बोले भागवत सबसे बड़ा सत्कर्म है। हरिद्वार की पावन धरती पे नारद जी महाराज को जब भागवत सुनाई गई शनकादियों के द्वारा, तब भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। महाराज भागवत की महिमा सुनकर मेरा भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, यदि इन तीनों के जीवन में संकट आ जाए तो भागवत में लिखा है इन तीनों का संकट कोई दूर करता है तो भागवत जी इन तीनों का संकट दूर करती हैं। ये वो भागवत है जो भक्ति ज्ञान को भी पुष्ट करती और वैराग्य को पुष्ट करती। प्रकट हो गई भागवत जी भक्ति महारानी। भागवत जी से कहा कहाँ बैठूं? बोले भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाओ। नारद जी ने प्रश्न खड़ा किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति कथा सुने और तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुने और तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, परंतु जिसने जीवन भर पाप किया है कैसा पापी व्यक्ति तरेगा? भागवत से। बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो भागवत से तर जाए। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा, क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। कितना भी बड़ा पापी हो, 1000 साल का अंधकार हो और आपने 1 दीपक जला दिया तो वो अंधकार ये थोड़ी कहेगा मैं पुराना हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। कितना भी पुराना अंधकार क्यों ना हो, दीपक जलते ही समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार करोड़ों जन्मों का पापी ही क्यों ना हो, भागवत सुन करके वो पुण्यात्मा बन जाता है। भागवत सिर्फ पुण्य पुण्य आपको देती है, आपको पुण्यात्मा बना देती है। हमने पाप बहुत किए हैं जाने अनजाने में, इस पाप से यदि मुक्ति मिलेगी कहीं तो केवल भागवत जी हमें मुक्ति दिलाएंगे। इसलिए सप्ताह वाचनम कुरु, इसलिए भागवत सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा महाराज किसी का कल्याण हुआ? हाँ, एक पंडित जी रहते थे आत्मदेव नाम के, उनका घर था नदी के किनारे, गांव में बड़ी संपन्नता थी, उस गांव के वो बड़े पंडित जी थे, पर उनकी पत्नी से उनको कोई संतान नहीं हुई, बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन घर छोड़ के चले गए, माथा पीटने लगे, बेटा नहीं हुआ, जी कर क्या करेंगे, लोग ताने बहुत मारते। अच्छा, जिनको बच्चा नहीं होता ना लोग उनको बड़ा ताने मारते, खासकर हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके दांत वांत गिर गए। अरे बहू की तो बेटा नहीं है, फलाने की बहू के बेटा नहीं है। हाँ तो तुम्हारी बहू के बेटा है तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? बेटों से क्या मिला आज तक और तुम्हें क्या मिल जाएगा? 10 नहीं 20 बच्चे पैदा कर लो, क्या मिलेगा? जिनके हैं 4-4 बच्चे, जिनके हैं 5-5 बेटे, जिनके हैं वो माताएं यहां रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, हैं 5-5 बच्चे पर सेवा एक भी नहीं करता। इसलिए ये दास अनिरुद्ध माताओं की सेवा करता है, कोई बात नहीं, वो बच्चे बहिर्मुखी हैं इसलिए माँ बाप की सेवा नहीं करते, अंतर्मुखी होते तो भगवान मानकर माँ बाप की सेवा करते। इसलिए अंतर्मुखी बनो, बच्चों को बनाओ, बाहर बहुत देख लिया अंदर देखें, संसार में देखने को बहुत कुछ है पर जितना सुख देखने में है ना, इससे ज्यादा सुख आंखें बंद करके परमात्मा का चिंतन करने में। आंखें बंद कर लो, भगवान का चिंतन करो, इसमें जो शांति है, ये दुनियादारी देखने में और वादियां देखने में शांति नहीं। सुनने को बहुत कुछ है पर जब तक कथा ना सुना जाए तब तक कानों को तसल्ली नहीं होती। बहुत कुछ है सुनने को पर ना सुनो कुछ भी, एक कृष्ण की कथा सुनो, भगवान की चर्चा सुनो, भगवान के चरित्र सुनो। एक बेटे के लिए रो रहा है, एक नहीं रो रहा है, अब बताओ इनमें कौन बहिर्मुखी है कौन अंतर्मुखी है? आत्मदेव जी रो रहे हैं बेटे के लिए, ये क्या है बोलो? ये बहिर्मुखी है। और संत नहीं रोता क्योंकि संत अंतर्मुखी है, संत ने परमात्मा को ही अपना सब कुछ मान लिया है और इन्होंने अभी बेटे की चाहत में समय खर्च किया है। ये बहिर्मुखी है, जब तक बहिर्मुखी होंगे तब तक रोना धोना चलता रहेगा। अंतर्मुखी हो जाएगा तो आपके घर में रोटी नहीं है तो भी आप प्रसन्न रहेंगे, और बहिर्मुखी है तो आप सोने की लंका में है तो भी रोते ही रहेंगे जैसे रावण।
जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार सब कुछ नुकसान देता है। इसलिए आप अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा लाड़ ना दीजिएगा, नहीं धुंधकारी ही बनेंगे। धुंधकारी भरे गांव में अपने पिता की कॉलर पकड़ता है, गाल में तो थप्पड़ मारता है, बोल पैसा तूने कहाँ गाड़ रखा है। पिता ने कहा तूने जुआ में उड़ा दिया, तो लाठी उठाई और अपने बाप की पीठ में जो मारी। आत्मदेव जी रोने लगे, विधाता जब बेटा नहीं था तब भी मुझे रोना पड़ा, और आज बेटा मिला है तो भी मुझे रोना पड़ रहा है, क्या मेरी किस्मत में लिखा है। धुंधकारी अपनी माँ को मारता है, पिता को मारता है, और मैं कहता हूँ कभी भी अपनी माँ को नहीं सताना चाहिए। माँ पर हाथ उठाने की आप सोच भी कैसे सकते हैं, ये कलयुगी बच्चे हैं जो माँ पर अत्याचार करते हैं। इसलिए कहता हूँ समय मिला करे तो आरती उतारा करो, अपनी माँ की चरण दबाया करो, यही जीवन की अटल कड़वी सच्चाई है। आपको संसार का सुख मिल जाए तो भी रोना है, और ना मिले तो भी रोना। ये वही माए हैं जिनके बच्चे हैं, किसी का एक, किसी के दो, किसी के तीन, किसी के चार, किसी के पांच, पर वो बच्चे अपनी माँ को याद नहीं करते, कहाँ है माँ, जिंदा है या मर गई ये भी खबर नहीं लेते। तब बिहारी जी ने हमें नियुक्त किया है कि बेटा आप सेवा करो, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर ने कुछ देने के लायक बनाया है तो इन माओं के लिए दे देना, समर्पित कर देना, आपका धन घटेगा नहीं कई गुना बढ़ेगा इन माओं के आशीर्वाद से। वही माँ है, कितने बच्चे हैं आपके मैया जी? तीन बेटे। कहाँ से हैं आप? लुधियाना। बेटा ने रोका नहीं कि आप यहीं रहो, मैं आपकी सेवा करूंगा? नहीं यार, आप बुलाता भी नहीं। आपको बुलाता नहीं। देखिए माँ, इनके बच्चे निर्दयी हो गए हैं, माँ का दर्द नहीं समझते तो कोई बात नहीं, आप और हम इन माओ का दर्द समझें, इन माओ की सेवा का संकल्प लें। इनके तीन बेटे घर में हैं, एक बेटा वृंदावन में है, ये दास अनिरुद्ध इनकी सेवा करेगा और इनकी सारी व्यवस्थाएं जो। सभी को जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, जैसे कि महाराज ने हमें बताया कि हमें मनुष्य को, हमें ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, इसका क्या अर्थ है। दोस्तों, बहुत से पुण्य को हम केवल इस मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं, इसी में ही संभव है। दूसरे जीवों में हम यह बहुत से पुण्य नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यह मनुष्य शरीर हमें मिला है हमें बहुत से पुण्य करने के लिए, और अपने शरीर का सदुपयोग करने के लिए अच्छे कामों में, ना कि बुरे कामों में। हम भगवान का चिंतन करते हैं और अच्छी बातों को सुनते हैं और अच्छी बातों को ही बोलते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में हम अपने शरीर का बिल्कुल उल्टा उपयोग कर रहे हैं। हम अपने जीवन, अपने शरीर को भोगों को भोगने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बुरी बातों को सीख रहे हैं, बुरी बातों को बोल रहे हैं, बुरी बातों को सुन रहे हैं। हम अपने शरीर के सदुपयोग के बारे में बिल्कुल ही भूल चुके हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं कहता हूँ कि आप भी महाराज की कथाओं से वंचित बिल्कुल ना रहे और ना ही किसी को रहने दें। इसीलिए महाराज की वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर बिल्कुल करें। महाराज जी कहते हैं कि हमें हमारे कान मिले हैं भागवत जी को सुनने के लिए। दुनिया में चाहे जितने बड़ा भी पापी हो, उसने जीवन भर जितने भी पाप क्यों ना किए हो, लेकिन अगर वह अंत में भी भागवत जी को सुनेगा तो उसके सारे पाप माफ़ हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने कानों से अच्छी चीज़ें सुननी है, वह भगवान का चर्चा सुनना है, भगवान की कथाएं सुननी है, जिससे कि हमारा जीवन धन्य होए और हमें पुण्य की प्राप्ति होए।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे लोग अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को बुरी चीज़ें सिखाते हैं जिनका उन्हीं को ही उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए, एक माँ अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा ना दे, अच्छे संस्कार ना दे, तो उसका बच्चा बिगड़ जाता है और बड़े होने पर वह अपने माँ से ही दुर्व्यवहार करता है। और इसके विपरीत यदि माँ बच्चे को अच्छे संस्कार देती है, या गुरु किसी शिष्य को अच्छे संस्कार देते हैं, या कोई भी व्यक्ति किसी को अच्छे संस्कार देते हैं और वह लेना नहीं चाहता, तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि वह अपने जीवन में अपने मनुष्य शरीर मिलने का गलत उपयोग कर रहा है, क्योंकि वह अच्छी बातों को नहीं सीखना चाहता। दोस्तों बुरी बातों को तो बहुत जल्दी सीखा जा सकता है, लेकिन अच्छी बातों को वह बोलना नहीं चाहते। वह बात बात पर गाली देते हुए बात करते हैं। दोस्तों भगवान जी कहते हैं यहाँ पे कि अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, 84 लाख योनियों में अपने जीवन को जीने का सफ़र ख़त्म करना है, तो केवल अच्छे काम व पुण्य ही करना है। दोस्तों गुरुजी भी कहते हैं कि भगवान का चिंतन करना बहुत ही आवश्यक है। इस जन्म मृत्यु के जंजाल से बचने के लिए भगवान का चिंतन करना अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान के पास ही है मोक्ष की चाबी। तो दोस्तों अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है सबसे पहले, तो पहले भगवान की प्राप्ति बहुत ही अति आवश्यक है। जितना हो सके दोस्तों भगवान से जुड़े रहना है, और हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है, हमें चुगली करने के लिए नहीं मिला, दूसरों से ईर्ष्या करने के लिए नहीं मिला, दूसरों को गाली देने के लिए नहीं मिला, दोस्तों केवल भगवान का चिंतन करते हुए जीवन जीने के लिए मिला है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं इसी तरह के दूसरी वीडियो में। शुक्रिया आप सभी।